अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं फिरदौस और आप देख रहे हैं कुक विद फिरदौस। आज मैं आपके लिए लाई हूं चिकन कोरमे की रेसिपी। ये बहुत मज़ेदार और जायकेदार होता है। आइए देखते हैं इसे हम कैसे बनाते हैं। ये यहाँ मैंने ले लिया है 1/2 kg चिकन, साथ ही में मैंने यहाँ 2 प्याज ले ली हैं बड़ी, जिन्हें फाइन चॉप्ड कर लिया है बारीक। साथ ही में मैंने यहाँ ले लिया है 4 टेबल स्पून दही। यहाँ हमने ले लिया है 4 टेबल स्पून ऑयल। साथ में मैंने यहाँ नारियल ले लिया है 2 टेबल स्पून, जिसका बुरादा लिया है। साथ में मैंने 4 से 5 बादाम ले ली हैं, 2 टेबल स्पून अदरक और 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट ले लिया है। यहाँ मैंने जावित्री ले ली है और 4 से 5 हरी इलायची ले ली है। दोस्तों यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून सूखा धनिया पाउडर ले लिया है। साथ ही मैंने 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, यहाँ 3 से 4 मैंने तेज़पत्ते ले लिए हैं, 2 से 4 दालचीनी का टुकड़ा ले लिया है, 1/2 टीस्पून जीरा, 2-4 से 5 लौंगे और 10 से 12 काली मिर्च ले ली हैं। मैंने एक बड़ा भगोना ले लिया है, उसमें हम डालेंगे ऑयल हमारा। जैसे ही हमारा ऑयल थोड़ा गर्म हो जाएगा, हम इसमें हमारे कटे हुए जो प्याज हैं वो ऐड कर देंगे और इसको ब्राउन गोल्डन होने तक अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। ये देखिएगा दोस्तों, ये गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं, तो हम इसको अब जल्दी से निकाल लेंगे। दोस्तों याद रखिएगा, हमें प्याज को ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, सिर्फ गोल्डन ब्राउन होने तक ही इसे फ्राई करना है। यहाँ हमने इसको निकाल दिया और अब इसको हम इस साइड में रख देंगे थोड़ा हवा लगने के लिए। यहाँ हमने चिकन जो लिया था उसमें हम दही ऐड कर देंगे। जो हमने दही लिया था 4 टेबल स्पून दही, हमें यहाँ मीठी यूज़ करनी है, खट्टी दही यूज़ नहीं करनी है। अब इसमें जाएगा अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने ले रखा था। हम इसमें ऐड करेंगे हमारे लाल मिर्च और हल्दी पाउडर। यहाँ जो हमने लाल मिर्च और हल्दी पाउडर लिया था वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। तो अब इसमें जाएगा खुश्क धनिया पाउडर। हम इसे अच्छे तरीके से मैरिनेट कर लेंगे, आपस में मिक्स कर देंगे, जिससे कि मसाला जो है वो चिकन में अच्छे तरीके से बैठ जाए। और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम साइड में मैरिनेट करके रख देंगे। तो यहाँ मैं नमक डालना भूल गई थी, तो अब हम इसमें नमक भी ऐड कर देंगे और इसको मैरिनेट करके 15 मिनट्स के लिए साइड में रख देंगे। अब जो हमारे खड़े मसाले हैं उसको हम अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लेंगे। यहाँ मैंने जो नारियल का बुरादा लिया था उसको हमने एक मिक्सर के जार में ऐड कर दिया है। इसके साथ हम इसमें दालचीनी, जावित्री, जायफल का टुकड़ा और हमारे जो ये बादाम थे, काली मिर्च, लौंग, जीरा और बादाम डाल करके हम इसका एक अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। जिस ऑयल में हमने हमारी प्याज फ्राई करी थी उसी में हमने डाले हैं तेज़पत्ते और साथ में हम हरी इलायची भी डाल देंगे। और अब जो हमारा मैरिनेट किया हुआ चिकन था वो इसमें ऐड कर देंगे। यहाँ हमें थोड़ा पानी भी डालना होगा, तो जो हमारा इसमें बच गया मसाला बॉल में वो इसके अंदर डाल करके अच्छे तरीके से इसको साफ करके इसमें डाल देंगे पानी भी। और अब हम इसको अच्छी तरीके से थोड़ा सा मिक्स करते हुए इसको थोड़ी देर के लिए हम पकाएंगे, जिससे कि ये भुन जाए। और साथ ही में मैंने यहाँ कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करी है, जिससे कलर बहुत अच्छा आता है। अगर आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं, और नहीं है आपके पास तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं।
दोस्तों ये थोड़ा सा पक चुका है, तो अब इसमें जो हमारे खड़े मसाले हमने ग्राइंड किए थे सब वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको डाल करके अच्छी तरीके से हम इसको भून लेंगे। अब हमने जो हमने प्याज फ्राई की थी उसको हमने अच्छे तरीके से ग्राइंड करके एक अच्छा सा पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर देंगे और इसको डालकर भी आप 10 से 15 मिनट के लिए गैस की फ्लेम लो रखते हुए अच्छे तरीके से इसको भून लीजिए। जितना ज़्यादा भूनता है उतना ही अच्छा टेस्ट इसमें आता है। देखिए माशाल्लाह से ये भून चुका है, सरफेस पर ऑयल आ गया है, माशाल्लाह से ये कितना अच्छा लग रहा है और टेस्ट में भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये टेस्ट का तो कोई जवाब ही नहीं, ये तो लाजवाब टेस्ट होता है। माशाल्लाह से ये हमारा भून चुका है। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके इसको 10 मिनट के लिए पकाएंगे, क्योंकि ग्रेवी थोड़ी सी पतली होती है तो ज़्यादा अच्छी लगती है दोस्तों। ठीक है, इस तरह से बन जाता है हमारा चिकन कौरमा और अब हम इसे प्यारे से प्लेट में निकाल लेंगे सर्विंग के लिए। इस तरह से बन जाता है चिकन कौरमा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, रेसिपी को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी में, तब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।